नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी, आपका स्वागत है एनटीवी में। देश के अंदर पिछले काफी समय से गो हत्या और तीन तलाक का मुद्दा बहुत चर्चा में है। गौ रक्षा की बात करें तो गाय की सुरक्षा के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस तरह से हो रही मौतों पर एक सवाल भी खड़ा हुआ है कि गौ रक्षा के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह हो रही मौतों पर जमाते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बेगुनाह की हत्या रुके, हम सरकार के साथ हैं। जिस तरह मोर राष्ट्रीय पक्षी है, उसी तरह से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे इन मौतों का सिलसिला बंद हो सके और गौ हत्या के नाम पर किसी बेगुनाह की जान ना ली जाए। गाय बिरादरा ने वतन के नजदीक इंतहाई मोहतरम और मजहबी एतबार से मोहतरम है। मेरे दिल के अंदर भी, इसलिए कि मैं भी एक मजहबी आदमी हूँ और मजहबी आदमी का फर्ज है कि वह दूसरे के मजहब का एहतराम करे, मैं उसका एहतराम करता हूँ। आज की मौजूदा सूरत हाल यह है जो आपके सामने है, जगह जगह पूरे मुल्क के अंदर जानवरों को लाने और ले जाने के ऊपर, खरीदने पर, दूध के लिए जानवर को अपने घर में रखने पर एक ऐसा खौफ का माहौल है कि जगह जगह गौ रक्षक जवान मजहब का फायदा उठा करके लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सामान और रुपया लूट रहे हैं, यहाँ तक के कत्ल तक कर देने के वाकयात हैं और अखबारात इस सिलसिले के अंदर भरे पड़े हैं। कानून की बालादस्ती को आग लग रही है। अगर आम लोगों के हाथ में कानून चला जाएगा तो मुल्क के अंदर अमन व अमान कैसे रहेगा? अमन व अमान वो बुनियादी चीज है कि जिसके बगैर न मुल्क तरक्की कर सकता है, न मुल्क में बसने वाले खौफ व हिरास के माहौल से निकलकर चैन व सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मगर ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं। हमने बारहा कहा है कि हम अपने बिरादरान वतन के जज्बात का एहतराम करते हैं। जब ये उलमा हिंद हमेशा मुतालबा करती रही है, आज से नहीं 50 साल से मुतालबा कर रही है कि आप गाय को जिस तरह आपने मोर को नेशनल बर्ड बनाया है, आप कानून बना करके इसको नेशनल एनिमल बनाइए, हम आपके साथ हैं। हम जगह जगह आपसे मुतालबा कर रहे हैं, हम जगह जगह इसकी ताईद करेंगे ताकि किसी तरह ये माहौल खत्म हो, लोगों की जानें महफूज रह सकें, लोगों के आबरू महफूज रह सके, लोगों का माल महफूज रहे। हमारी समझ में नहीं आता कि वो गवर्नमेंट जो गौ रक्षकों को आज़ादी देती है कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर के बदअमनी को फैलाएं, आखिर बुनियाद क्या है कि वो एक कानून बना करके क्यों नहीं इस पर कदगन लगाती? हम उनके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर अमन व अमान की फिदा कायम हो सके। वही तीन तलाक के मुद्दे पर मौलाना ने कहा कि केंद्र सरकार के पास और भी मुद्दे हैं, लेकिन वह तीन तलाक को हवा देती रही है, जबकि यह मामला मुस्लिम धर्म का है। तीन तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस मामले में कोर्ट के अंदर हम अपनी सफाई रख चुके हैं। देखिए तीन तलाक के संगीन विषय पर क्या कुछ कहा मौलाना सैयद अरशद मदनी ने। तीन तलाक का मसला है, ये भी एक ऐसा मसला है कि हर आदमी जो कुछ हो रहा है इसी मसले को लेकर के चल रहा है। हमारा एक मौकिफ, एक वादे मौकिफ है। आज दुनिया ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। ये एक बात सुन, मुस्लिम महिला और मुस्लिम मर्द इस मुल्क के अंदर 3 साल से तो नहीं रह रहा है, 300 साल ही से तो नहीं रह रहा है, वो तो इस मुल्क के अंदर हजारों साल से रह रहे हैं। अगर ये मसला जुल्म तादी का था तो ये आवाज़ कभी तो उठनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि
प्रोपेगेंडे की दुनिया में ऐसा लगता है कि हर घर के अंदर तलाक दी हुई औरतें बैठी हुई हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद है। जैसे कि प्रोपेगेंडे ने ऐसा साबित कर दिया जैसे हर मुसलमान चार ही निकाह करता है और उसकी चार ही बीवियां हैं। हम ये समझते हैं कि ये सूरत हाल गलत है, ये हमारा एक मजहबी मसला है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। आज तक 1300 साल तक आज़ादी थी, कोई मसला नहीं था, आज क्यों है? दूसरी बात यह है, अगर कोर्ट को इस सिलसिले में कोई एतराज है तो बजाय इसके कि कोर्ट हमारे मजहब में दखल अंदाजी करे, वो इस मसले को उलमा के सामने एक मर्तबा मौका दे। आप इस मसले, हमें ये एतराज है, ये एतराज है, ये एतराज है, आप इसका मजहबी नुक्ता नजर से कोई हल निकालो। अगर निकाल देते हो हमारे सामने पेश करो, अगर हमें उस पर कोई एतराज होगा हम फिर इसको पेश करेंगे। बजाय इसके कि मजहब के अंदर कोर्ट मुदाखलत करे, कोर्ट ये कहे कि तुम इस मसले के अंदर ये नजाकतें हैं इन्हें खत्म करो, उलमा बैठेंगे, आपको एतराज क्या है? अगर हम नहीं पेश कर सकेंगे, मसले का हल नहीं निकाल पाएंगे, कोर्ट को इख्तियार है, वो फिर उसके बाद दखल दे। लेकिन अब की सूरत हाल तो ऐसा लगता है जैसे कोर्ट तैयार बैठा हुआ है कि मुझे दो दिन के अंदर फैसला करना है और इस मसले के अंदर दखल देना ही है। हुकूमत अरबाब इख्तदार भी यही कह रहा, भाई बड़ा सितम हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, मीडिया भी यही कह रहा है, इस बुनियाद के अंदर वो रास्ता निकाल रहे हैं मजहब के अंदर मुदाखलत का। हम ये समझ रहे हैं कि एक दरमियानी शक्ल है जिससे जो आग उभर रही है वो आग खत्म हो सकती है। गौहत्या के नाम पर मासूमों की जान लेना यह सचमुच गंभीर अपराध है, सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ तीन तलाक ने कई महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। यह गंभीर विषय आज के देश के भीतर बहुत ही विरोधाभास पैदा कर चुके हैं, इसलिए सरकार के साथ समाज के सभी तबकों को मिलकर इन विषयों पर चिंतन करके इस मसले को सुलझाना चाहिए। खबरों के सफर में इतना ही, देखते रहिए एएनटीवी। नमस्कार।